आते हैं आज अपने पहले प्रश्न पे आते हैं। आज मजा आएगा दोस्त, मजा आएगा। मध्यकालीन एक ऐसा टॉपिक है इसमें मजा आता है। आते हैं पहला टॉपिक, पहले प्रश्न पर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? देखिए, आप सवाल लिखना चाहें तो लिख लें, स्क्रीनशॉट लें। देखिए दोस्त, मैं इसलिए साइड हट जाता हूं, कहीं आपको, आप ये मत सोचिएगा कि सर साइड में जाके कुछ देख रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं साइड में इसलिए हटता हूं ताकि आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें तो लिख लें। चलिए, यह सवाल बहुत ही लाजवाब है। उम्मीद करता हूं कि आप जब इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि सवाल वाकई में लाजवाब है। हमने यहां पूछा आपसे कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन है। क्लियर? अब हो सकता है कि कई लोग यह कह दें कि इसका आंसर अलबरूनी है, क्योंकि अलबरूनी फेमस भी है और अलबरूनी से पढ़े हुए टॉपिक लोग पढ़ के भी रखते हैं। ये चारों के चारों महमूद गजनबी के ही समकालीन है। महमूद गजनबी की खास बात आप सब जानते हैं कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ठीक 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और उसके साथ साथ इसका जो सर्वप्रसिद्ध आक्रमण था भारत में, वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर था, जो कि इसका भारत पर 16वां आक्रमण था। और ये अलबरूनी उत्बी ये लोग जो है, ये इसी के शासनकाल में भारत आए थे। लेकिन मुद्दा यह है सवाल का कि इसका दरबारी इतिहासकार कौन था। तो एक पहले हम आपको इनके बारे में बता देते हैं, आंसर भी बताएंगे, पहले इनके बारे में बताते हैं। अलबरूनी की जो खास बात है, इसका जन्म बर्नी नामक स्थान पर हुआ था जो कि उज्बेकिस्तान में है, और इसने किताबुल हिंद की रचना की है। किसकी दोस्तों? किताबुल हिंद की, जिसको हम भारत का दर्पण कहते हैं। किताबुल हिंद को हम क्या कहते हैं? भारत का दर्पण। यही नहीं, खास बात यह है कि भारतीय वेदों का अध्ययन करने वाला जो सबसे पहला मुस्लिम है वो अलबरूनी है। देखिए, एक ही पॉइंट से कितनी सारी चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी। मतलब अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की है, जिसको हम भारत का दर्पण कहते हैं, जहां से भारत के कुछ इतिहास की जानकारी मिलती है या गजनबी के आक्रमण की जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ क्या है कि इसे ये भारतीय वेदों का अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम भी है। अगर मुद्दा यह उठता है कि भारतीय वेदों का अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम मुस्लिम है, तो हमारी वेद की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में। तो लॉजिक सी बात है, अलबरूनी को और कौन सी भाषा आती होगी? एग्जैक्टली संस्कृत भाषा आती होगी। तो अगर कभी आपसे पूछा गया कि निम्न में से वह कौन सा मुस्लिम है या कौन सा सर्वप्रथम मुस्लिम है जिसको संस्कृत भाषा आती थी, तो आपका आंसर हो जाएगा अलबरूनी। यही नहीं, अलबरूनी ने दुनिया के समस्त शहरों में से, समझिएगा, अलबरूनी ने ही दुनिया के समस्त शहरों में से दिल्ली को एक उत्कृष्ट शहर बताया था। उत्कृष्ट शहर बताने वाला दिल्ली को जो सबसे पहला मुस्लिम था वो कौन था? अलबरूनी। आगे आते हैं दूसरे पर, वो है फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की है। शाहनामा में इसने दोहों का संग्रह किया है। कहा जाता है कि जब दोहे लिखने की बात इससे गजनबी ने कहा था तो इसको कुछ पैसे देने के लिए कहा था प्रत्येक दोहे पर। लेकिन जब इसने दोहे को कंप्लीट कर दिया तो गजनबी ने इसे पैसा नहीं दिया, जिसकी वजह से यह नाराज होकर चला गया। कुछ लोग कहते हैं कि फिरदौसी का यह श्राप था जिसकी वजह से गजनबी की मृत्यु हुई। ठीक, कई सारे मतभेद हैं, बात समझने प्रयास करिए। और जब गजनबी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फिरदौसी को वापस बुलाता है पैसे देने के लिए, तब तक फिरदौसी की मृत्यु हो गई होती है। और यही नहीं, पहली बार फारसी भाषा
को अपनी किताबों में लिखने वाला या फारसी भाषा का जो जन्मदाता माना जाता है साहित्यकार इतिहासकार या कवियों में, वो किसको माना जाता है? फिरदौसी को। तो सबसे पहले फारसी भाषा को अपने में लिखने वाला या अपनी पुस्तक में लिखने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? फिरदौसी है। तीसरा है उतबी। उतबी ने किताबुल यमन की रचना की है। किसकी दोस्तों? किताबुल यमन की, जिससे अफगानिस्तान के इतिहास की जानकारी मिलती है और इसी से गजनबी के भी इतिहास की जानकारी मिलती है। और दहकाई ने, इसने भी एक पुस्तक की रचना की है जिससे हमें गजनबी का इतिहास पता चलता है। लेकिन हमारा जो सवाल है वो सवाल यह है कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो इसका जो आपका आंसर है वो आंसर आपका क्या है? उतबी। कौन था? उतबी था। और महमूद गजनबी जो था ये गजनी वंश का था, और गजनी वंश की स्थापना महमूद गजनबी ने नहीं की थी। याद रखिएगा, गजनी वंश की स्थापना करने वाला कौन था? सुबकुतगीन का पुत्र था। कौन? सुबकुतगीन ने गजनी वंश की स्थापना की थी कि अल्पतगीन ने? गजनी वंश की स्थापना करने वाला सुबकुतगीन था। किसने किया था? सुबकुतगीन ने किया था, क्योंकि अल्पतगीन के पुत्र सुबकुतगीन ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया और उससे प्रभावित होकर महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और यही नहीं, सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भी, कौन था? महमूद गजनबी था। तो आपका जो प्रश्न था कि महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो आपका आंसर है उतबी। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि हम वो चाहे जितने भी जैकपॉट क्लास कराएंगे, उन तमाम पैटर्न के प्रश्न आपके सामने लाएंगे जिस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। और आज की क्लास को थोड़ा सा दोस्त ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज की क्लास से भी हमको बहुत सारे ज्ञान मिलेंगे। ये प्रश्न बनाने में हम लोगों को काफी समय लग जाता है कि किस प्रश्न से आपको कितना ज्ञान दिया जाए। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न को सही सुमिलित कीजिए, या निम्न मतलब मैच द फॉलोइंग है। ठीक, थोड़ी हिंदी कमजोर है इसलिए मैं खुद प्रश्न बनाता हूं तो वर्डिंग में दिक्कत हो जाती है, उसके क्षमा जाता हूं, पर समझिएगा। निम्न को सही सुमिलित कीजिए या मैच द फॉलोइंग। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो फोटो ले लीजिए, जो आपका मन हो। चलिए, ये जो सारे के सारे विभाग हैं, मेरी बात समझिए, ये जो सारे के सारे विभाग हैं ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के हैं। किसके? फिरोज शाह तुगलक के। और फिरोज शाह तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शासक बनता है, तुगलक वंश का शासक था। और इसकी बहुत सारी खास बातें हैं। सर्वाधिक दास इसी के शासनकाल में निवास करते थे, जिसके लिए इसने दीवाने बंदगा नामक एक संगठन बनाया था। तो दीवाने बंदगा, दास विभाग। क्लियर? अगला प्रश्न, इसने जरूरतमंद लोगों के लिए दीवाने खैरात नामक विभाग का गठन किया था, मतलब लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए इसने दीवाने खैरात विभाग का गठन किया। तो दीवाने खैरात पे चलते हैं आर्थिक सहायता के लिए। अब आप देखते जाइए। अगला, इसने निशुल्क अस्पताल का भी गठन किया था। देखिए, दीवाने खैरात में कुछ कुछ किताबें कंट्राडिक्शन लिखती हैं। वो कहती है कि इसमें केवल मुस्लिमों के लिए था, ये गलत है दोस्त। कोई भी वृद्ध व्यक्ति
या कोई भी विधवा यहां से सहायता प्राप्त कर सकती, चाहे वो जिस धर्म की रहते हो। लेकिन केवल जो विवाह करवाता था वो अनाथ लड़कियों का, वो मुस्लिम लड़कियां होती थी। मतलब वो दीवाने खैरात के तहत अनाथ मुस्लिम लड़कियों का विवाह करवाता था, ये याद रखिएगा। बाकी किताबों में थोड़ा बहुत गलती है, दीवाने खैरात से कोई भी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसने एक निशुल्क अस्पताल का गठन किया था। निशुल्क अस्पताल जैसे आज की डेट में आपका सरकारी अस्पताल है, ठीक। और जो निशुल्क अस्पताल का गठन किया उसको दारुले सफा कहा गया। तो दारुले सफा निशुल्क अस्पताल, ठीक। आखिरी हब ए सर्व, तो जाहिर सी बात है लास्ट बच रहा है तो सिंचाई कर। और यही नहीं, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाने वाला जो शासक था वो फिरोज शाह तुगलक था। लेकिन सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाने वाला जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। और जब ये सर्वाधिक नहर बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि नहर का काम सिंचाई के लिए होता है और नहर के निर्माण में पैसे लगते हैं, तो ये पैसा लेगा। इसीलिए मध्यकालीन भारत में, याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत में सिंचाई कर लेने वाला जो सबसे पहला मुस्लिम था या जो सबसे पहला शासक था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। और इसके सिंचाई कर को क्या कहा गया? हव ए सर्व कहा गया। कहीं हर वे सब भी मिलेगा तो एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये सारे के सारे विभागों का गठन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ है। और मध्यकालीन भारत में सिंचाई कर लगाने वाला जो सबसे पहला मुस्लिम था वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। तो हम अपने आंसर्स को करते हैं। ए का क्या हो रहा था? ए का तीन हो रहा था, दीवाने बंद का दास विभाग। ए का तीन तो कई जगह है। अगले पर से बढ़ते हैं। दो का दो हो रहा था। बी का दो किसमें है? ये बी और डी, मतलब सी और ए ऑप्शन नहीं है, बी और डी में देखना है। सी का फोर किसमें हो रहा है? डी में। तो आपका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, ठीक। पहले का तीन, ए का थ्री, बी का टू, सी का फोर और डी का वन। तो ये आपका क्या हो गया दोस्त? इसका आंसर हो गया। समझ में आया? मजा आ रहा है आपको? उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है, क्योंकि ऐसे कैसे आप बता पाएंगे वो आप अपने कमेंट्स में बताएंगे। और एक चीज और दोस्त, कुछ लोग कमेंट्स लिखने से पहले ये सोचते नहीं है कि हम क्या लिख रहे हैं। उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मानता हूं कि भारत स्वतंत्र है, आप अपनी चीजों को व्यक्त कर सकते हैं, पर कुछ सोच समझ के व्यक्त किया करिए। सामने वाला भी इंसान है, उसको भी बुरा लगता है। खैर कोई बात नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन सा कथन या कौन सा तर्क गलत है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन सा तर्क गलत है? रीजन क्या है कि दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद बिन तुगलक था, लोग इसे पागल बादशाह भी कहते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था दिल्ली सल्तनत का, या आप ऐसे कह सकते हैं कि मध्यकालीन में भी सबसे ज्यादा जो पढ़ा लिखा शासक था वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अब सवाल, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, ले लीजिए आप। तो हमने क्या कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। पर एक फ्रेज है, बैड लक ऑलवेज फॉलोज यू, इंग्लिश में आपने सुना होगा, मतलब दुर्भाग्य हमेशा आपका पीछा कर रही है। पर इसके साथ पूरी जिंदगी भर था, ये जो भी करता रहा उसमें इसको असफलता मिलती रही। इसने अपने साम्राज्य सुधार के लिए कई सारे काम किए लेकिन सब में असफल रहा। उसके साथ साथ इसने एक कृषि विभाग का गठन किया था जिसे दीवाने को ही कहा गया। और जैसे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सिंचाई कर लेने वाला फिरोज शाह तुगलक था, उसी प्रकार दिल्ली सल्तनत में कृषक विभाग का गठन करने वाला जो पहला सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसी के तहत ये सौंदर्य या तकबीर ऋण देता था किसानों को। पर हम अपने प्रश्न के हिसाब से अगर उत्तर करने का प्रयास करें तो समझिए, इसने इसे अपने समय का अरस्तु कहा जाता है। यह लाइन एकदम सही है, हो सकता है कई लोगों के लिए नहीं हो,
ठीक, अरस्तु, अरिस्टोटल आप जानते हैं सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, और साइंस में भी आपको अरस्तु के बारे में सर आपको समझाएंगे, पर इसकी विद्वानता के कारण, मैंने क्या कहा, यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था, इसकी विद्वानता के कारण इसे अपने समय का अरस्तु कहा गया। यह तो लाइन सही है भाई, यह तर्क गलत नहीं है। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य इसी के समय स्वतंत्र हुए थे, यह सही बात है। रीजन क्या है कि जैसे सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक, सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ, उसी प्रकार सर्वाधिक बाह और आंतरिक विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुए, और इसी बाह और आंतरिक विद्रोह की वजह में ही ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य स्वतंत्र हो गए। तो ये लाइन भी सही है कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य किसके समय स्वतंत्र हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगले पे, इसने दीवाने कोही का गठन किया था। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इसने एक कृषक विभाग का गठन किया था, किसका, कृषक विभाग का, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, दीवाने कोही नाम से। यह लाइन भी सही है। अब जो चौथा बचा वही गलत हो सकता है, अगर ऊपर के तीनों सेंटेंस सही हैं। इसने जौनपुर शहर की स्थापना की थी, यह आपका आंसर है, और यह सेंटेंस क्या है, गलत है। जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं किया था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम जूना खां या जौना खां या उलुख खां था, और जब इसका भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा तो कहा जाता है कि फिरोज शाह ने कई सारे शहरों का निर्माण करवाया। जैसे उसने अपने नाम पर, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद नामक शहर का स्थापना करवाई है जो कि कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, उसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर की भी स्थापना करवाई थी। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। और फिरोज शाह तुगलक ने ये जो जौनपुर शहर की स्थापना करवाई, इसने अपने भाई जौना खां की याद में करवाया था। जौनपुर की खास बात क्या है कि जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है, क्योंकि यह मध्यकालीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जैसे कि प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था, उसी प्रकार मध्यकालीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जौनपुर था। यही नहीं, अकबर एक अनपढ़ शासक था, इसीलिए जो अकबर के लिए फतवा भी जारी हुआ था वो भी जौनपुर से हुआ। और जौनपुर की सबसे प्रसिद्ध चीज जो है वो है अटाला मस्जिद। कौन कौन दोस्तों, अटाला मस्जिद और झाझरी मस्जिद, और इन दोनों का निर्माण सुल्तान इब्राहिम ने करवाया था। किसने करवाया था, सुल्तान इब्राहिम ने। तो आप हमेशा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसलिए हट गए, आप हमेशा याद रखिएगा कि भारत में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था, जौनपुर था, और इसीलिए जौनपुर को भारत का सिराज कहा गया। जैसे प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था, उसी प्रकार मध्यकालीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जौनपुर था, और शेरशाह सूरी ने भी अपनी जो शिक्षा दीक्षा ली थी वो जौनपुर से ली थी। यह सवाल इस समय बहुत हाईलाइट हो रहा है, हर एग्जाम में अक्सर आ जा रहा है कि शेरशाह सूरी ने अपनी पढ़ाई कहां से की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा जौनपुर। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। यह धार्मिक आंदोलन का प्रश्न है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। जो मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन हुए और सूफी आंदोलन हुए, उनके अपने अनेक अनेक मत थे, मेरी बात समझिएगा, तो उन मतों को किसी ना किसी नाम से जाना गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो धार्मिक आंदोलन हुआ था मध्यकालीन भारत में, इसमें कई लोग हुए, जैसे शंकराचार्य हुए, माधवाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, निम्बकाचार्य हुए, कई सारे लोग थे।
तो इनके अपने अपने मत थे, लेकिन मत का केवल एक ही टारगेट था, ब्रह्मा मतलब ईश्वर, मनुष्य, आत्मा, यही तीन चीज था। किसी का मानना था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, किसी का मानना था कि ब्रह्म और जगत तीनों सत्य है, सॉरी दोनों सत्य है, और किसी का यह मानना था कि आत्मा भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है और मनुष्य भी सत्य है, और ये तीनों एक दूसरे से रिलेट हैं। इसी में सबके अपने अपने विचार आए और जिसको अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे कि यहां पर सवाल है कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो जैसे पहला है द्वैतवाद, ठीक, इसके थे माधवाचार्य। कौन थे? माधवाचार्य। द्वैतवाद का कहने का मतलब क्या है कि पहली बात तो द्वैतवाद मतलब यह हुआ कि ईश्वर भी सत्य है और जगत भी सत्य है, बात समझिएगा, ईश्वर भी सत्य है और जगत भी सत्य है, ईश्वर और जगत दोनों क्या है? सत्य है। और इसी को, द्वैतवाद को ही ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ब्रह्म संप्रदाय के नाम से। तो इसे कहा गया द्वैतवाद, मतलब ब्रह्म सत्य जगत सत्य। अगला है, इसके प्रतिपादक माधवाचार्य हैं, ये एकदम सही सुमिलित है, ठीक, लेकिन हमारा सवाल क्या है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। दूसरा है विशिष्टाद्वैतवाद, इसके जो प्रतिपादक है वो रामानुजाचार्य हैं। इनका मानना था ईश्वर, आत्मा और मनुष्य ये तीनों सत्य हैं और ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट हैं। तो विशिष्टाद्वैतवाद के कौन हो गए? रामानुजाचार्य, ये भी सही है। अगला है द्वैताद्वैतवाद, इसके हैं निम्बार्काचार्य, इसको सनक संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक, किस नाम से? सनक संप्रदाय के नाम से। इसको सनक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है और इसको ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या था? ईश्वर भी सत्य है, आत्मा भी सत्य है और जगत भी सत्य है। द्वैताद्वैतवाद इन्होंने जो लाया वो शंकराचार्य के विरोध में लाया, क्योंकि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। शंकराचार्य जी का मानना था कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, केवल ब्रह्म मतलब ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इन्होंने क्या किया कि उन्हीं के विरोध में लाया द्वैताद्वैतवाद, मतलब दोनों सही है, ईश्वर भी सही है और प्रकृति भी सही है, इसी को द्वैताद्वैतवाद कहा गया। और इसके प्रतिपादक कौन थे? निम्बार्काचार्य, एकदम सही। चौथा गलत है, क्योंकि जो अद्वैतवाद है वो शंकराचार्य का है और भास्कराचार्य का भेदभाववाद है, ठीक, या भेदाभाव कई भी अलग अलग जगह मिलता है, उसको हटाइए। शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि जो अद्वैतवाद है वो भास्कराचार्य का नहीं है, वो किसका है? शंकराचार्य का। भास्कराचार्य का भेदाभाववाद है। और अद्वैतवाद मैंने भी आपको समझाया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो क्वेश्चन पूछने के लेवल से लगता है कि इस प्रकार के सवाल क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपका मन हो। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं।
किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया? ठीक, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया? आप चाहें तो फोटो खींच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्त, हमने लास्ट क्लास में आपको आधुनिक बताया था, आज मध्य बता रहे हैं, हो सकता है किसी और क्लास में हम कुछ और बताएं, और ऐसे करते करते पीसीएस के एग्जाम आते आते हम आपको सारी चीजें प्रश्न में करा देंगे। बाकी क्लास में तो टॉपिक वाइज हम करा ही रहे हैं, और हमारे बैच से आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो इसके नीचे स्क्रॉल पे नंबर आता है, आप उसमें नॉर्मल सा व्हाट्सअप करना है, आप हमारी संस्था के मेंबर हो जाएंगे, और हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, हम जानते हैं इस बात को। तो इस चीजों को फॉलो करिए और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करिए। सब की तरह अगर वन लाइनर सवाल करवाया जाए, मेरी बात समझिए, तो फिर मतलब पैटर्न ही क्या है। पीसीएस का क्लास करने से, आईएएस की क्लास करने से अगर वन लाइनर सवाल हम करते हैं तो फिर हमारा पैटर्न ही क्या है। जिस पैटर्न पे सवाल पूछा जा रहा है उस पैटर्न के सवाल क्यों नहीं हम बना सकते हैं? हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, तो पढ़ाने वाले को भी तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत पढ़ने वाला करता है। तो इसीलिए हमारी जो संस्था है, हमारे जो संस्था के अध्यापक हैं, वो लोग हमेशा जो पैटर्न पे सवाल आता है उसी पैटर्न पे सवाल आपको पूछते हैं, वही चीज नहीं बार बार वन लाइनर नहीं करवाया जाता है। तो चलिए, किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया? ये बहुत इजी सवाल है, ये आप सब लोग कर लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल भी है। स्थापत्य कला मतलब जैसे कि ऐसी कला जो स्थिर हो, मेरी बात समझिए, केवल याद करने के तरीके बता रहा हूं, उसे स्थापत्य कला कहा गया। अकबर के शासन काल में भी कई सारी इमारतों का निर्माण हुआ, जैसे आगरा का लाल किला हो गया अकबर के शासन काल में हुआ, बुलंद दरवाजा भी अकबर के शासन काल में हुआ, उसके साथ साथ इलाहाबाद का किला भी अकबर के शासन काल में हुआ। लेकिन अकबर के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग नहीं कहते हैं, अकबर के शासन काल को हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग कहा गया, या हिंदी भाषा का स्वर्ण युग कहा गया। ठीक, अकबर के शासन काल को हिंदी भाषा, या कहीं कहीं आपको साहित्य भी लिखा मिलेगा, दोनों मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा, हिंदी भाषा या साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। अगला आया शाहजहां। आपको पता है कि शाहजहां ने एक ऐसी चीज बनाकर हमें दे दी है जो विश्व के आश्चर्यचकित चीजों में से एक है, ठीक, और वो है ताजमहल। इसके साथ साथ इसने और भी कई सारी चीजों के निर्माण करवाए थे। तो चूंकि इसने कई सारी इमारतों के निर्माण करवाए हैं, दिल्ली में का लाल किला भी इसने बनवाया है, आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद भी इसने बनवाया है, जामा मस्जिद भी इसने बनवाया है, कई सारी चीजों का निर्माण शाहजहां ने किया है। इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि शाहजहां का जो शासनकाल था वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। किसका? स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। तो आपका आंसर इसमें क्या है दोस्तों? शाहजहां है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, तो अगले पॉइंट पे आएंगे तो वो है जहांगीर। कहा जाता है कि जो जहांगीर था ये चित्रकला प्रेमी शासक था, आर्ट वगैरह, डिजाइन वगैरह, इसीलिए इसके शासनकाल को चित्रकला के स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, क्योंकि मुगल कालीन जो चित्रकला थी वो जहांगीर के शासनकाल में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट था। और औरंगजेब चूंकि कट्टर मुस्लिम था, लेकिन तो भी भारत में सर्वाधिक शास्त्रीय संगीत पर पुस्तकें, भारत में सर्वाधिक शास्त्रीय संगीत पर जो पुस्तकें लिखी गई हैं वो किसके शासनकाल में लिखी गई हैं? औरंगजेब के शासनकाल में। तो कभी भी आपको पूछा गया हिंदी भाषा का स्वर्ण युग या हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे का, किसके शासनकाल को कहा गया, तो आपका आंसर होगा अकबर। देखिए, आप मत कहिएगा सर कि इसके भी कहा गया उसके भी कहा गया, यहां पर इसलिए मुगल के सारे शासक ऑप्शन में है, हम मुगलों को कंसिडर करके चल रहे हैं, मुगलों के शासक को, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होता है।
शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग, औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक शास्त्रीय संगीत पर क्या लिखी गई दोस्तों, पुस्तकें लिखी गई। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न युद्धों को क्रम से सजाइए। ये कुछ युद्ध हैं, ठीक, और इनको क्रम से सजाना है। पहले तो इन युद्धों के बारे में जान लें कि ये युद्ध हुए क्यों थे। प्रश्न के साथ केवल ऑप्शन टिक कराना वो तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न के साथ ऑप्शन की व्याख्या वो जरूरी है। कई सारे हमारे मित्र बंधु विद्वान होंगे, वो कहे होंगे कि सर तो अपने हिसाब से ऑप्शन बना लेते हैं। तो भाई जब हम अपने हिसाब से प्रश्न बना रहे हैं तो ऑप्शन भी तो बनाते हैं, लेकिन ये हमें फायदा नहीं देगा। हम ऐसे ऑप्शन बनाते हैं जिससे आपके टॉपिक को कवर करते हुए हम चले जाएं। यही रीजन है, ये आपको फायदा देगा। समझने का प्रयास करिएगा मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूं, बहुत गहन बात कह रहा हूं। अगर हमारे एक प्रश्न के चार ऑप्शन से आप 40 चीजें खत्म कर रहे हैं तो इससे बड़ी चीज और क्या होगी। अभी जैसे शुरुआत गजनबी का किए थे, पूरा इतिहास बता दिए, फिर द्वैतवाद अद्वैतवाद पे बता दिए, फिर उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक का, फिरोज शाह तुगलक का, आप टॉपिक ही तो खत्म कर रहे हैं अपने। ऐसी बात नहीं है। और यह कहा जाए कि सर आजकल पॉलिटिकल नहीं आता, ऐसा नहीं है, आ सकता है, क्यों नहीं आया था क्या वो बीबी का मकबरा वगैरह वगैरह वाला सवाल क्रम में सजाने को नहीं आया था, ठीक। चलिए तो सवाल है, निम्न युद्धों को क्रम से सजाइए। देवराई का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध, बहादुरपुर का युद्ध, धर्मत का युद्ध। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से 3 सेकंड के अंदर। चलिए एक्चुअली बात क्या है दोस्तों, कि ये जो युद्ध हुआ था ये युद्ध औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था, या हम ऐसा कह सकते हैं कि शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, ये उत्तराधिकार के युद्ध थे, क्योंकि शाहजहां के चार पुत्र थे, दारा सिको जो कि सबसे बड़ी संतान था, औरंगजेब, शाह सूजा बंगाल का गवर्नर था, और था मुराद। इन्हीं चारों के बीच में ये उत्तराधिकार के युद्ध हुए थे कि शाहजहां के बाद गद्दी पर बैठेगा कौन, और ये चारों युद्धों में विजयी कौन हुआ, औरंगजेब। हम समझाते हुए चलते हैं। शाहजहां के चार पुत्र थे, दारा सिको जो कि सबसे बड़ी संतान थी, औरंगजेब, शाह सूजा जो कि बंगाल का गवर्नर था, और मुराद। इन्हीं चारों के बीच में ये चारों युद्ध हुए, लेकिन इनमें से भी जरूरी है युद्ध कौन सा क्या। तो जो पहला युद्ध हुआ इन चारों के बीच के साथ शुरुआत हुई, पहला युद्ध होता है बहादुरपुर का युद्ध, जनवरी 1658। यह युद्ध जो हुआ, यह युद्ध दारा सिखो और शाह सूजा के साथ हुआ था। दारा सिखो का इसमें पुत्र था सुलेमान सिखो, जो इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था दारा सिखो की तरफ से, और शाह सूजा के बीच में हुआ। और इस युद्ध में शाह सूजा पराजित हो गया, अर्थात कौन जीत गया, दारा सिखो। जो दूसरा युद्ध था वो धर्मत का युद्ध था। यह युद्ध दारा सिखो और औरंगजेब के बीच में हुआ अप्रैल 1658 को, और इस युद्ध में कौन जीत गया, औरंगजेब जीत गया। इसके बाद जो तीसरा युद्ध था वो सामूगढ़ का युद्ध था। यह युद्ध औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना का युद्ध दारा सिखो के साथ हुआ मई 1658 को, और इस युद्ध में यह सम्मिलित सेना विजयी हो गई, औरंगजेब और मुराद। कौन हार गया, दारा सिखो। इसीलिए कहा जाता है कि उत्तराधिकार के युद्धों में जो निर्णायक युद्ध था वो सामूगढ़ का युद्ध था। आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कभी भी आपसे पूछा गया
कि उत्तराधिकार के युद्धों में जो निर्णायक युद्ध था वो कौन सा था, वो सामूगढ़ का युद्ध था। और इसी के बाद दारा सिंह को भागकर कश्मीर चला गया और फिर वहां से उसको पकड़कर लाया गया और देवराई के युद्ध में, क्या कहते हैं, अप्रैल 1659 में देवराई के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिखों को अपधर्मी शासक घोषित करते हुए, अपधर्मी मतलब क्या, जो क्या कहते हैं अपने धर्म के खिलाफ हो। जैसे हिंदू धर्म में हम अगर मंदिर नहीं जाते हैं तो हमें नास्तिक नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर इस्लाम धर्म में हम मस्जिद नहीं जाते तो हमें नापाक कहा जाता है, धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाता है। यही रीजन है कि देवराई के युद्ध में इसने दारा सिखों को अपधर्मी शासक घोषित करते हुए उसकी हत्या कर दी और दारा सिखों को हुमायूं के मकबरे के पास स्थपनाया गया है। कहां? हुमायूं के मकबरे के पास। और यही नहीं, एक और खास बात बता देता हूं दोस्तों, बहुत कम किताबों में मिलेगा, सर्वाधिक मुगल शासकों को हुमायूं के मकबरे के पास ही दफनाया गया है। सर्वाधिक मुगल शासक, भी पूछा गया कि सर्वाधिक मुगल शासकों को कहां दफनाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा हुमायूं के मकबरे के पास। और एक बात और बता देते हैं, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद करने वाला दारा सिखों था। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, तो आपका आंसर हो जाएगा दारा सिखों। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया यह सवाल कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिखों किसके शासनकाल में किया, तो आपका आंसर क्या होगा? गलत, औरंगजेब नहीं होगा, आंसर शाहजहां होगा, क्योंकि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें गद्दी पर कौन बैठेगा? औरंगजेब। और औरंगजेब गद्दी पर तभी बैठेगा जब किसकी मृत्यु होगी? दारा सिखों की। इसीलिए कभी भी पूछा गया कि उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किसके शासनकाल में हुआ, तो आपका आंसर होगा शाहजहां। और जिसने जो उसका टाइटल दिया था उपनिषदों का, वो टाइटल था सिर्रे अकबर। क्या टाइटल था दोस्तों? सिरे अकबर, शीर्षक के तहत दारा सिखों ने उपनिषदों का किस भाषा में अनुवाद किया? फारसी भाषा में। तो ये यहां पर हमने पहला युद्ध बहादुरपुर का युद्ध बताया, दूसरा धर्मत का युद्ध, तीसरा सामूगढ़ का युद्ध और चौथा देवराई का युद्ध। तो मतलब पहले तीन होगा, फिर चार होगा, तो इसमें तीन और चार, फिर दो होगा, फिर एक होगा, तो आपका आंसर यहां पर क्या सही हो रहा है? आपका आंसर सी हो रहा है। आपका आंसर क्या सही हो रहा है दोस्तों? सी सही हो रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए यहां पर उत्तराधिकार के युद्ध में कई सारी चीजें आपको बता दी गई है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं। निम्न में से किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं किया था? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि स्थापत्य कला का जो स्वर्णयुग था वो शाहजहां के शासनकाल को कहा गया। तो कुछ इमारतें हैं जो मैं आपको यहां ऑप्शन में दिया हूं, और उसमें से कोई एक ऐसी इमारत है जिसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में नहीं हुआ या शाहजहां ने नहीं किया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले प्रश्न का। देखिए दोस्त, प्रश्न के बंच बनाते रहिए। मान लीजिए कि अगर हम आपको 20 प्रश्न संग्रह या 20 जैकपॉट क्लास करवाएंगे तो 20 गुणे 10 कितना सवाल हो गया? 200। और हर क्लास में टॉपिक वाइज हम आपको 15, 20, 25, 30 सवाल करा रहे हैं। 15 टॉपिक है तो 450 सवाल तो ऐसे हो गए, और 200 ये 700-800 सवाल, क्योंकि हम जानते हैं जो विद्यार्थी हमारे बैच के हैं जो ये वीडियो देखेंगे वो जरूर जानते हैं कि सर सवाल रिपीट नहीं करते हैं। सर क्लास में जो सवाल कराते हैं वो सवाल दूसरा होता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों जो हमसे पढ़े हैं, जो बीओ के बैच के बच्चे हैं, जो पीसीएस के हैं, जिनको मैं प्रश्न करा रहा हूं टॉपिक वाइज, आप खुद बताइए कमेंट में कि सवाल रिवाइज्ड नहीं है। वहां पर हम दूसरे सवाल कराते हैं, फिर यहां पर जैकपॉट में दूसरे सवाल कराते हैं। तो जैकपॉट के सवाल और क्लास के सवाल दोनों अलग होते हैं, और दोनों का कलेक्शन बनाते जाएंगे, 600-700-800 सवाल आपके पास मौजूद रहेंगे एग्जाम के पहले, क्योंकि मेरा एक ही चीज मानना है, एक बार पढ़ लो, बार बार मत पढ़ो, और चीजों को इतने अच्छे से पढ़ लो कि दोबारा जरूरत ही ना पड़े, केवल उसको मॉडिफाई करते रहिए। चलिए आते हैं प्रश्न पे।
तो निम्न में से किसका निर्माण शाहजहां ने नहीं किया था? मोती मस्जिद का निर्माण। देखिए, मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने करवाया था, लेकिन आगरा के लाल किले में इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। तो ये जो मोती मस्जिद है ये आगरा के किले के अंदर का है। तो आगरा के किले में जो मोती मस्जिद का निर्माण हुआ वो किसने करवाया? शाहजहां ने। चलिए, इसका निर्माण भाई शाहजहां करवा रहा है। दूसरा है मुसम्मन बुर्ज। ये क्या है? मुसम्मन बुर्ज की बात आप सुने होंगे कि अपने जीवन के अंतिम समय में, या जब औरंगजेब उत्तराधिकार का युद्ध जीत गया था, तो उसने अपने पिता शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज में बंदी बनाया था, जहां से वो बैठकर ताजमहल को देखता था, क्योंकि ताजमहल का निर्माण इसने मुमताज महल, मतलब अर्जुमंद बानो बेगम की याद में बनवाया था। और जिसका वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। चलिए, तो मुसम्मन बुर्ज का निर्माण पहले शाहजहां ने करवाया था। इसने आगरा के किले में एक 6 मंजिली इमारत बनवाई थी, जहां पर शाही स्त्रियां बैठकर, शाही स्त्री कहने का मतलब कि जो राजकुल से बिलोंग करती थी, मतलब राजा ओजा की जो मतलब स्त्रियां होती थी, वो वहां बैठकर पशुओं का खेल देखती थी। आगरा किले में घूमने जाएंगे तो आपको मिलेगा मुसम्मन बुर्ज। वहां पर हम लिख देते हैं मुसम्मन बुर्ज में, मुसम्मन बुर्ज 6 मंजिला था, जहां पर बैठकर शाही स्त्रियां पशुओं का खेल देखती थी। कौन? शाही स्त्रियां बैठकर पशुओं का खेल देखती थी। क्लियर? तो इसका भी निर्माण शाहजहां ने करवा दिया। और यही नहीं, औरंगजेब ने शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज में ही बंदी बनाया था। और जब औरंगजेब ने शाहजहां को मुसम्मन बुर्ज में बंदी बनाया था, तो उस समय शाहजहां के शासनकाल में, अंतिम समय में, जब वो अपने मरने के कगार पे था, तो इसकी पुत्री जहां आरा इसके साथ थी। कौन साथ था? जहां आरा। तो दोनों का निर्माण तो भाई शाहजहां करवा चुका है। तीसरे पे चलते, दीवाने आम। दीवाने आम क्या था? दीवाने आम का भी निर्माण शाहजहां ने आगरा के किले में करवाया था। और कहा जाता है कि शाहजहां के शासन काल में यह पहली इमारत थी, शाहजहां के शासन काल में निर्माण होने वाली या बनने वाली यह पहली इमारत थी जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, अगर यह प्रश्न थोड़ा ऐसे घुमा दिया जाए कि निम्न में से वह कौन सी इमारत थी, या निम्न में से शाहजहां के शासनकाल में वह पहली कौन सी इमारत थी जिसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, दीवाने आम। शाहजहां के शासनकाल में यह पहली इमारत थी जिसमें शाहजहां ने संगमरमर का प्रयोग करवाया था। और दीवाने आम की खास बात क्या है? अच्छा, ये संगमरमर आया था, ये मकराना खान से आया था, ये भी जहां से ताजमहल का आया था। लेकिन मेरी बात समझिए, दीवाने आम की खास बात क्या है कि यहां पर शाहजहां बैठकर आम जनता से मिलता था, न्याय व्यवस्था में ये ध्यान देता था। और आपको एक बात बता देते हैं दोस्तों, मैं जैकपॉट इसलिए नहीं कहता हूं, अगर ये आप दीवाने आम में बैठता था तो शाहजहां के पास बैठने के लिए बेबादल के द्वारा एक तख्ते ताउस बनवाया गया था। तो इसने तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था, जिसको हम मयूर सिंहासन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मयूर सिंहासन के नाम से। और इसका निर्माण करवाने वाला कौन था? बेबादल खां था। इसका तख्ते ताउस का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? बेबादल खां ने। याद रखिए। अब तख्ते ताउस की भी खास बात है, इसी में कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। और कोहिनूर हीरे की कहानी हम क्लास में बताएंगे, सारी चीजें ऐसे बता देंगे तो फिर मजा क्या। तख्ते ताउस में, मयूर सिंहासन में कोहिनूर हीरा जड़ा था, और इसी मयूर सिंहासन को अपने साथ कौन ले गया था? पर्सिया का शासक था कौन? नादिर शाह। और नादिर शाह ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। तो दीवाने आम जो था, इसका अगर पूरा सेंटेंस बनाया जाए तो
शाहजहां के शासनकाल में संगमरमर की बनी हुई यह पहली इमारत थी जहां पर यह तख्ते ताउस इसका रखा था, मतलब मयूर सिंहासन रखा था जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था, और इस तख्ते ताउस का निर्माण करवाने वाला बेबादल खां था, और इसी तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन को पर्सिया के शासक नादिर शाह अपने साथ पर्सिया ले गया, अर्थात कोहिनूर हीरा पर्सिया ले गया था जिसे हमारे महाराजा रणजीत सिंह पर्सिया से छीनकर वापस भारत लाए थे। कोहिनूर का इतिहास फिर कभी बताएंगे। तो अगली जो इमारत बची वो इमादुद्दौला का मकबरा है। तो जब तीनों का निर्माण शाहजहां ने ही करवाया है तो आपका आंसर हो जाएगा इमादुद्दौला का मकबरा। तो मुद्दा यह आता है कि इमादुद्दौला मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो इमादुद्दौला मकबरे का निर्माण करवाने वाला जो था या जो थी वो कौन थी? नूरजहां। नूरजहां के पिता थे मिर्जा ग्यास बेग और उनको इमादुद्दौला के नाम से भी जाना जाता था। तो नूरजहां ने आगरा में अपने पिता इमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था और कहा जाता है कि यह पहला ऐसा मकबरा था जिसमें बेदाग संगमरमर का प्रयोग किया गया था। ऐसा संगमरमर जिसमें कोई दाग ही ना लगा हो, मतलब बेदाग संगमरमर का प्रयोग सबसे पहले इमादुद्दौला के मकबरे में ही किया गया था। और नूरजहां मतलब मेहरुन्निसा किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। और नूरजहां की खास बात ये भी है कि इन्होंने कश्मीर में शालीमार बाग का भी निर्माण करवाया था। और नूरजहां से जरूरी उनकी मां असमत बेगम है जिन्होंने गुलाब की पंखुड़ियों के द्वारा इत्र बनाने की कला का विकास किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी पूछा गया कि गुलाब की पंखुड़ियों के द्वारा यह सबसे पहले इत्र बनाने की कला का विकास किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा नूरजहां की मां असमत बेगम ने। तो इमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? नूरजहां ने। आप चाहे तो फोटो ले लीजिए दोस्त। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के पहले खुतबे में केवल सुल्तान का नाम पढ़ा जाता था परंतु इसने सभी सुल्तानों का नाम उल्लेख करवाया, किसका नाम नहीं पढ़ा जाता था खुतबे में? अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले प्रश्न का लेना चाहे तो। ठीक, देखिए दोस्त, मेहनत से पढ़ना सब कर सकते हैं, मेहनत से पढ़ाई सब कर सकते हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ना ये वही कर सकते हैं जिनको ये पता है कि हमारा सवाल कैसे पूछा जा सकता है। और ये हम आपको सिखाते हैं, मैं भी सीखता हूं, हर दिन सीखता हूं, मैं भी तो आप ही की तरह स्टूडेंट हूं, मैं भी हर दिन सीखता हूं, और बस मैं जो सीखता हूं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। ठीक, बात क्या थी कि शुक्रवार को खुतबे पढ़े जाते थे दिल्ली सल्तनत में, शुक्रवार को खुतबे पढ़े जाते थे, तो जो प्रेजेंट टाइम का सुल्तान होता था उसी का नाम केवल उस खुतबे में पढ़ा जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि उन सभी सुल्तानों का नाम पढ़ा जाएगा जो कि दिल्ली सल्तनत के हैं, तो इसमें से किसका नाम नहीं पढ़ा जाता है, क्या कोई आंसर बता सकता है? सब कहेंगे आंसर मोहम्मद गौरी, क्योंकि ये तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान तो था ही नहीं, क्यों भाई? लेकिन ये आंसर गलत है। इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की थी, इसने सुल्तान के स्थान पर सिपला सलार की उपाधि धारण की थी और ये दिल्ली की गद्दी पर गौरी के गुलाम की तरह ही बैठा था, इसीलिए इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो कभी भी आपसे पूछा गया कि फिरोज शाह तुगलक के खुतबे में किसका नाम नहीं पढ़ा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश भाई दिल्ली का सबसे पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला इल्तुतमिश था, और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो था वो था महमूद गजनबी। मोहम्मद गौरी जो था यह भी सुल्तान की उपाधि धारण किया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसने भी सुल्तान की उपाधि धारण की थी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था, क्योंकि सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो वंश था वो खिलजी वंश था।
और यही नहीं, फिरोज शाह तुगलक की खास बात, सॉरी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की खास बात क्या है कि इसी के शासनकाल में बलबन के भतीजे मलिक छज्जू का विद्रोह हुआ था जिसका इसने दमन किया था और इसी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और इल्तुतमिश के बारे में आप जानते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूर्ण करवाया था, बाकी इसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। और भारत में सबसे पहले जो मंगोलों का आक्रमण अर्थात चंगेज खां जो भारत आया था वो किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के। मोहम्मद गौरी का है तराइन का 1191-1192 का युद्ध, जिसमें एक बार पृथ्वीराज जीतते हैं, एक बार गौरी जीतता है। और फिर 1194 में चंदावर का युद्ध है जिसमें ये जयचंद को पराजित करता है। ये खास बातें इनकी, ये तो हम सब क्लास में बताएंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इन लोगों का, इसका चाहे तो देखिए। ये सारे के सारे जो विभाग हैं दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के हैं। कहां के? अलाउद्दीन खिलजी के। इसने कुछ विभागों का गठन किया था, यही सारे विभाग हैं। दीवाने आरिज सैन्य विभाग, ये सही है, सैन्य विभाग था। मतलब क्या है? वजीर के बाद इसका जो अधिकारी था, दीवाने मामूलिक कहा जाता था, वजीर के बाद जो दूसरा सैन्य अधिकारियों में पद था उसको दीवाने आरिज कहते थे। सैनिकों का वेतन, उनकी साज सज्जा, उनके रहने की व्यवस्था, ये सारी की सारी चीजें किसके अंडर में थी? दीवाने आरिज के। दूसरा है दीवाने इंसा, ये शाही सचिवालय का व्यंजक था। शाही सचिवालय का व्यंजक मतलब खाना मत समझ लीजिएगा दोस्तों, मतलब जो प्रांत में, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य था उस प्रांत में जो पत्र व्यवहार वगैरह होता था एक प्रांत से दूसरे प्रांत पे, उसका लेखा जोखा या लिखने का जो काम था वो किसके होता था? दीवाने इंसा के तहत। दीवाने रसालत विदेश विभाग था। दीवाने रसालत में क्या था? ये भी एक शाही विभाग था जिसमें जो पत्र वगैरह लिखना जाता था दूसरे देश में, विदेशों में भेजने के लिए, वो दीवाने रसालत के तहत था। और जो भारत के, मतलब अलाउद्दीन के भारत के साम्राज्य में जो पत्र वगैरह का व्यवहार होता था प्रांतों में, वो दीवाने इंसा के तहत होता था। और दीवाने रसालत की खास बात क्या है कि अगर कोई भी विदेशी राजदूत उसदूत आते थे तो उनकी देख रेख, उनके उसके तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं दीवाने रसालत के तहत ही होती थी। और कहा जाता है कि जो दीवाने रसालत विभाग था ये अलाउद्दीन के अधीन था, क्योंकि बर्नी ने इसमें किसी अधिकारी की व्याख्या नहीं की है। तो कभी पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा विभाग अलाउद्दीन के अधीन था, तो आपका आंसर हो जाएगा दीवाने रसालत। यह भी सही है, यह भी सही है, तो लॉजिक सी बात है। कौन सा गलत है? सराय अदल। इसीलिए आपका जो आंसर है वो क्या है? आपका आंसर डी है। सराय अदल क्या था? यह मेन मुद्दा उठता है कि सराय अदल क्या था। दोस्तों सराय अदल एक बाजार था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो था ये अपनी बाजार प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था, ये आप जानते हैं। और इसने बाजार को कई सारे भागों में बांटा था, जैसे मंडी, गल्ला मंडी, दास मवेशियों का बाजार, सामान्य बाजार, सराय अदल, अलग अलग चीजें अलग अलग बाजार में मिलती थी। तो सराय अदल शब्द का अर्थ होता है न्याय का स्थान। क्या होता है दोस्तों? सराय अदल मतलब न्याय का स्थान। और इस बाजार पर स्वयं अलाउद्दीन का नियंत्रण था। हमने क्या कहा? यह एक बाजार था जिस पर स्वयं अलाउद्दीन का नियंत्रण होता था। इसमें कपड़ा, चीनी, जड़ी बूटी, घी, दिए में डालने का तेल, ये वगैरह वगैरह जो चीजें हैं वो कहां मिलती थी? सराय अदल में। ठीक, कपड़ा, चीनी, घी, दिए में डालने वाला तेल, ये तमाम चीजें जो पाई जाती थी वो सराय अदल में। तो फिर विभाग बाजार पर व्यापारियों पर नियंत्रण करने वाला कौन सा था? कोई बता पाएगा मेरे साथ? इस पर नियंत्रण करने वाला कौन सा था? तो इस पर नियंत्रण करने वाला था दीवाने रियासत। कौन था? दीवाने रियासत विभाग था, जो कि जो बाजार के व्यापारी होते थे
उन पर नियंत्रण रखता था। और सराया दल जो था ये एक बाजार था चारों बाजार में से, और इस वर्ड का अर्थ होता है न्याय का स्थान, जहां से कपड़ा, चीनी, सूखे मेवे, घी और वगैरह वगैरह चीजें पाई जाती थी। जैसे दास और मवेशियों के बाजार में केवल दास और मवेशी मतलब घोड़े और दास वगैरह बिकते थे, उसी प्रकार इसने अलग अलग बाजारों में अलग अलग चीजों का उत्पादन करवाया था। ये हम इसकी बाजार प्रणाली में समझाएंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के अपने आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। निम्न वंशों को क्रम से सजाइए। देखिए दोस्तों, आज की क्लास जो भी थी या जो भी है अभी चल रही है, मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपने कई सारी चीजें आज सीखी होंगी। पहले प्रश्न से लेकर अभी तक के प्रश्न सारे पैटर्न पे हम आपको पूछे हैं। कहीं भी अभी तक कहीं भी ये चीज हम खुद डेवलप कर रहे हैं, अपने मैनेजमेंट की मदद से, अपने आलोक सर की मदद से, सबकी मदद से, अभी कहीं पर भी इस प्रकार के सवाल नहीं कराए जा रहे हैं। और अगर कराए भी जा रहे हैं तो वो कॉपी पेस्ट है, लेकिन नहीं कराए जा रहे हैं। 99% में लिख के दे सकता हूं, कहीं नहीं कराया जा रहा। सिर्फ TWA ही पहली एक ऐसी संस्था है जहां पर PCS के प्रश्न संग्रह, अर्थात मेरे लिए मेरा जैकपॉट, आपके लिए जैकपॉट के सवाल उन सभी पैटर्न पे कराए जा रहे हैं जिस पैटर्न पे सवाल पूछे जा सकते हैं। और सवाल के साथ साथ आपके धीरे उसी सवाल में कोर्स भी कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। जो ध्यान से इस वीडियो को देखते होंगे प्रश्न संग्रह वाले, चाहे वो जिस सब्जेक्ट का चलता हो, आपके कोर्स खत्म हो रहे हैं। ये 10 प्रश्न नहीं, ये 100 प्रश्न आपको करा रहे हैं। तो सवाल पर आते हैं, निम्न वंशों को क्रम से सजाइए। पहला है चगताई वंश, दूसरा है मामलुक वंश, तीसरा है करौना वंश और चौथा है शमसी वंश। खास बात तो यह कि पहले जानना तो चाहिए इन वंश की, वंश आए कहां से या इन वंशों की स्थापना किसने की, यह भी तो जरूरी है। चलते हैं, चगताई वंश, किस वंश को चगताई वंश कहा गया? मुगल वंश को। बता देते हैं दोस्त आपको, चगताई वंश मुगल वंश को कहा गया क्योंकि जो बाबर के पिता थे वो तैमूर वंशज के थे और जो बाबर की मां थी वो चंगेज वंशज की थी, इसलिए दोनों वंशों को मिलाकर चगताई वंश कहा गया। तो कभी भी पूछा गया कि मुगल लोग किस वंश के थे, तो आंसर चगताई वंश। अगला मामलुक वंश, मामलुक वंश कोई बता सकता है? मैं बताता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गौरी का गुलाम था, जिसने गुलाम वंश की स्थापना करवाई थी, कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मामलुक जाति का तुर्क था। किस जाति का? मामलुक जाति का, मामलुक वंश का तुर्क था। करौना, ये तुगलक वंश थे, तुगलक वंश के शासकों को करौना जाति के तुर्क थे। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक जाति का था, ठीक, तुगलक करौना जाति के थे, मुगल चगताई वंश के थे, और आखिरी बचा शमसी वंश। शमसी वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की, क्योंकि इल्तुतमिश जो था ये इलबरी जाति का तुर्क था, और ये इलबरी जाति का तुर्क था, और इसने किस वंश की स्थापना की? शमसी वंश की। तो सबसे पहले कौन सा गुलाम वंश का शासक था दोस्त? ऐबक। तो पहला क्या होगा? मामलुक वंश। पहला कहां पर है? सॉरी, तो मामलुक वंश कितने पे है? 2 नंबर पे। 2 नंबर कहां है? 2 जगह है, मतलब सी और डी। ऐबक के बाद कौन शासक था? इल्तुतमिश, मतलब 4 नंबर, मतलब सी आपका आंसर होगा। मतलब ऐबक, इल्तुतमिश, फिर तुगलक वंश और फिर मुगल वंश, मतलब चगताई वंश। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में या आज की जैकपॉट की क्लास में हमने फिर से 10 प्रश्न किए दिखाने के लिए, लेकिन आपके कई सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए उम्मीद करता हूं, और क्लास रेगुलर जो ले रहे हैं वो अच्छे हैं।
जो जैकपॉट राउंड भी देख रहे हैं वो भी अच्छे हैं। आप सवाल को समझने का प्रयास करिए, हम अभी आपको केवल शुरुआती दौर है, केवल हम सवाल के तरीके को समझाना चाहते हैं। हमने वादा किया था आपसे कि एग्जाम जब होगा तो जैसे कैसा भी सवाल आएगा तो आप कर लेंगे, इसीलिए उन सारे पैटर्न्स के सवाल हम बनाते हैं। और उसके साथ साथ आपके रिप्लाई और कमेंट्स देखा हमने, तो हमने सोचा कि आधुनिक को कंटिन्यू किया जाए, फिर हमने कहा नहीं, नया टॉपिक उठाया जाए, क्योंकि मध्यकालीन का अभी तक टेस्ट कहीं नहीं हो रहा है और ये सवाल मध्यकालीन से अब ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने मध्यकालीन उठा लिया। हो सकता है अगली क्लास में प्राचीन उठ जाए या दक्षिण भारत उठ जाए, ये गौरव पांडे के ऊपर है, लेकिन आपके ऊपर है कि जो क्लास में हो रहा है उसे पढ़ते जाइएगा। बाकी आप अपनी चीजों को जरूर आज कमेंट में कहिएगा, कोई सुधार हो तो जरूर बताइएगा। बाकी सेहत का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं बार बार कहूंगा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, सेहत का ध्यान रखिएगा। हम फिर किसी दिन TWS संस्था की तरफ से जैकपॉट सवाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, रूबरू होंगे और आपको सवाल करवाएंगे और आपको सवाल के साथ साथ आपकी टॉपिक भी कंप्लीट करवाएंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।